कहते नहीं है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Hey guys, welcome back to brand new vlog। और आज हम यहाँ पर आए हैं इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। एक्चुअली आप देख सकते हो ये जो है प्रशासनिक भवन है, हम इसके आगे खड़े हैं। एक्चुअली क्या हुआ, हम सोते रह गए तो कम से कम 8-9 बजे उठे तो यहाँ पर सारा चीज़ हो चुका, मतलब कि जनगणमनगण सब चीज़ वंदे मातरम सब चीज़ हो चुका और हमें पता नहीं चला। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो चलते हैं क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हमने आज खुशी का दिन है, आज़ादी का दिन है, तो हम यहाँ पर आए हैं बस फिलहाल फ़ोटो ये सब खिंचा रहे हैं और देख रहे हैं। आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से सजाया गया था, लेकिन हम लेट हो गए, मतलब कि पूरे गुब्बारे ये सब सजाया गया था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाले कैमरे से, लेकिन अभी तो फिलहाल हवा बहुत अच्छी चल रही है, चलो दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से सजाया गया था, यहाँ पर गुब्बारे ऐसे लगाए गए थे, तिरंगा वाला गुब्बारा और पूरा झंडा लगा हुआ है प्रशासनिक भवन के आगे, आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर ये पोस्टर भी लगे हुए हैं, मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी में 11 से 17 तारीख तक लगातार इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था। और ये प्रशासनिक भवन है, आप देख सकते हो महाराजा छत्रसाल भवन, और ये पूरा तिरंगा यहाँ पर फहराया गया था और यहाँ पर हमारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर से उन सब ने मनाया यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे, लेकिन हम लेट हो गए। और आपको दिखा देता हूँ ये भी यहाँ पर गुब्बारा लगाया गया था, मतलब कि यहाँ पर BC साहब आए होंगे और पूरा यहाँ पर ऐसे गेट बनाऊँगा आई थिंक। और ये देख सकते हो झंडे लगे हुए हैं, हमारे देश के फ्लैग बहुत सारे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये फ्रेंड हैं, ये फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, और यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी कोई नहीं है, हम लेट हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूँ आज का काफ़ी अच्छा व्यू होने वाला था, लेकिन हम लेट हो गए, अगर जल्दी आते तो पक्का हम यहाँ पर पा जाते और देख सकते थे कि इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया जाता है। एक्चुअली हम पहले भी मनाए हुए हैं, जब हम 12th और 11th छोटी क्लास में थे तब भी मनाए थे, लेकिन आज का दिन तो और भी अच्छा होता क्योंकि पहले क्या होता कोरोना वायरस आ गया था तो इसलिए इंडिपेंडेंस डे मनाई नहीं पाए, आज मौका था, लेकिन आप भी आज ही लेट हो गए क्योंकि ऐसा पता नहीं क्यों होता है, हम देर से सोते हैं तो जल्दी उठ नहीं पाते हैं, लेकिन फिलहाल अगली बार आएगा तो पक्का मनाएंगे, दिखाएंगे आपको। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर हर जगह तिरंगा लगाया गया है फ्लैग, ये हमारी कॉलेज की शान और बढ़ाते हैं, देख सकते हो पूरी जगह तिरंगा तिरंगा। सो मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ प्रशासनिक भवन के आगे और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त भी आए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो चलते हैं उनसे कुछ पूछते हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में, क्योंकि हम प्रोफेसर टीचरों से तो पूछ नहीं सकते क्योंकि प्रोफेसर हम स्टूडेंट्स से सब तो हम पूछ नहीं सकते, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा जानते हैं। फाइनली आपको बता दूँ कि हम सब पढ़ ही रहे हैं तो फिलहाल तो हमें इन सब के बारे में पता है, पॉलिटिक्स और इन सब के बारे में, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो BSc एग्रीकल्चर के अंदर तो सारी चीज़ आती है और हम जानते भी हैं, और आपको तो पता हुआ BSc एग्रीकल्चर, मतलब कि इसके बिना तो पूरा जीवन अधूरा है ना, जो भी आप खाना खाते पीते हो सब्जी बीट राइस शुगर कैन ब्रेड और टमाटो इन सब की सारी स्टडी हम सब करते हैं, तो हाँ नॉलेज है, ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, लेकिन हाँ इतना तो है कि हम हर चीज़ों को बता सकते हैं आराम से। चलो ठीक है चलते हैं और पूछेंगे। सो हमारे दोस्त हैं, चलो चलते हैं उनसे पूछते हैं कि वो सब इन सब के बारे में क्या जानते हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में। आप लोग देख रहे हो झंडा लहराते हुए और इधर खड़े हैं अंकुश दुबे, तो अंकुश दुबे हम आपसे पूछते हैं कि आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप क्या जानते हो, आप ये बताओ। सबसे पहले तो जो ये चल रहा है 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम, इसका जो है आज 5वां दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के जो है 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बांदा एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के महाराजा छत्रसाल भवन के फ्रंट पे जो है ये कार्यक्रम आज हुआ था सुबह 8:30 बजे, लेकिन उस समय हम लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम लोग उस समय
समय थोड़ा हॉस्टल में थे और पता है जब हॉस्टल में सब लोग रहते हैं तो सुबह के टाइम में सोना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन आए, थोड़ा लेट आए लेकिन आए हम लोग यहाँ पर चल रहे कार्यक्रम हर घर तिरंगा कार्यक्रम। 11 तारीख को हम लोग का यहाँ यूनिवर्सिटी में जो है कार्यक्रम था, इसके बाद 12 में फिर गांव में जो है, और इसके बाद 13 तारीख को जो है हम लोग मार्केट में गए थे। तो यही सब कार्यक्रम चल रहा है जो सरकार की तरफ से योजना लागू किया गया है। इसके बाद सुबह में आज जो है प्रोग्राम भी हुआ था, कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, हम लोग उसमें नहीं आ पाए लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो है मिष्ठान भंडार का भी व्यवस्था किया गया था। तो यही सब प्रोग्राम है, बाकी देख ही रहे हो। धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी भाइयों को, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो आप देख सकते हो अंकुश दुबे का स्पीच, इसने कुछ बताया है इंडिपेंडेंस डे के बारे में, और हमारे यहाँ पर और भी फ्रेंड हैं, हम उनसे पूछेंगे। चलो आपको दिखाते हैं। सो आप देख रहे होगे सीन आपको दिखाते हुए, और हमारे सामने इधर हैं सचिन, ये बिलोंग करते हैं सुल्तानपुर से, और ये बताएंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में आपको। चलो सचिन आप ये बताइए इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप क्या जानते हो? इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस कहते नहीं है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मुझे नहीं लगता यार इस लाइन को सुनने के बाद कोई ऐसा इंडियन होगा जिसके रोंगटे न खड़े होते हों। तो आप सबको ही पता होगा इंडिपेंडेंस डे मनाया क्यों जाता है, ठीक है? तो जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्या बता दें, लगभग सभी चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे। सो आप देख चुके हो जो हमारे मित्र थे सचिन, ये बता चुके हैं आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में, काफ़ी अच्छा बताया। और उन्होंने ये बताया, एक शायरी कह के बताया आपको, और आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और हमारे यहाँ पर और भी मित्र हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या बताएंगे। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ अगर हम पहले यहाँ पर आते तो सब चीज देख सकते थे, लेकिन लेट हो गए फिलहाल। तो चलो कोई नहीं, तो उस समय भी हम ब्लॉग बना सकते थे, लेकिन अभी भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, मज़ा आ रहा है। लेकिन आज के दिन ना मैंने हर बार ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी 15 अगस्त आता है हवाएं चलती रहती हैं, हवा चलती रहती हैं। और सो फिलहाल हमने यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो शूट कर लिए हैं, और इसके बाद हम जा रहे हैं, देखते कहाँ पर जा रहे हैं, बताएँगे आपको। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं, पूरे शब्द पूरे हिल डुल रहे हैं, आप देख रहे होगे पूरा सीन है यहाँ पर। आप देख सकते हो हर जगह झंडा ही झंडा लगा हुआ है, और मेरी कॉलेज और ये प्रदर्शनी भवन यहाँ पर झंडा फहराया गया था। और ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पर मतलब कि हमारे कॉलेज में, हर कॉलेज में और हर हॉस्टल में झंडा फहराया गया है। वो मैं आपको नहीं दिखाया हूँ, लेकिन हाँ जो भी इस लोग को देख रहा होगा मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी से, तो वो सब जानते होंगे कि हर हॉस्टल में झंडा फहराया गया, हर एक कॉलेज में और प्रशासनिक भवन में, मतलब कि तिरंगा ही तिरंगा छा गया हमारे कॉलेज में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तिरंगा हमारी जान, यही है हमारी जान। आप देख सकते हो पूरे लाइन से फ्लैग ही फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग ही फ्लैग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हवा पे हवाएं चल रही है, इतना शानदार मौसम। तो यहाँ पर हवा के कारण मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और आप लोग देख रहे होंगे। काले बादल छाए हुए हैं लेकिन नहीं दिख रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको व्यू, कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्रशासनिक भवन दूर से। ऐसे हमारा प्रशासनिक भवन बहुत दूर से काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग देख रहे होंगे। और प्रशासनिक भवन के सामने कुछ पॉली हाउस हैं, आप देख रहे होंगे ग्रीन हाउस। हम जा रहे थे प्रशासनिक भवन से, तभी अंकुश दुबे ने देखा कि तिरंगा गिरा हुआ है, तो इसने उठा लिया, और इसने उठाते ही तिरंगा को लहराना चालू कर दिया, फहराना चालू कर दिया,
और आप लोग देख रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है अंकुश के हाथ में ये तिरंगा। और ये पूरा व्यू है, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से लहरा रहे हैं क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। और अभी हम आए थे सुविधा केंद्र में, यहाँ पर हमें कुछ सामान लेना था। चलो देखते हैं आगे। तो अभी फ़िलहाल हम आए थे कैंटीन में और यहाँ से लिए हैं ये सब, और ये सब दिलाया है अंकुश दुबे ने। और इसका है आज हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, हैप्पी बर्थडे अंकुश दुबे। असल में बहुत कम लोग थे तो हम लोगों ने सोचा कि यही छोटा मोटा पार्टी कर ले और क्या, बाकी सही है। मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे बैचमेट देख रहे होंगे वो उनसे पार्टी मत मांगना, आप की पार्टी दे चुके हैं भाई। देंगे यार, सभी लोग पार्टी मांगना देंगे, सब लोग आओ पहले तब मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर कम लोग थे तो इसलिए हमारे लिए ये थैंक यू अंकुश दुबे फॉर गिविंग दिस पार्टी। अरे भाई कोई नहीं यार, ये पार्टी वार्टी तो होता रहता है हमेशा। और गाइस हमारी यूनिवर्सिटी की खास बात है, यहाँ पर डस्टबिन है और हम सारा कूड़ा यहाँ पर फेंक रहे हैं डस्टबिन में। तो आप देख सकते हो ये जो कुछ व्यू ऐसा दिखता है आगे से। सो गाइस वहाँ से घूम फिर के आ गए थे और खाना हम सब ने खा लिया था क्योंकि 1 बज गए थे पूरे, और काफ़ी अच्छा रहा। हम वहाँ पर गए और देखे, अच्छा लग रहा था क्योंकि हवाएं चल रही थी अच्छी अच्छी, लेकिन फ़िलहाल हम वहाँ पर जल्दी नहीं गए तो इसलिए हम कुछ देखने के लिए नहीं पाए। लेकिन फ़िलहाल हम सब ने फ़ोटो ये सब खिंचा लिया है और आपने देखा होगा मेरे पूरे वीडियो में जो हमारे दोस्त थे उन सब ने आपको कुछ बताया इंडिपेंडेंस डे के बारे में और कुछ शायरी सुनाई। I hope if you like my video and if you watch my whole video, so please like, comment, share, subscribe. Don't forget it, guys. करना तो बोलना मत यार, कर देना। तुम्हारे भाई का चैनल है ब्रांड न्यू ब्लॉग, कर देना। ओके गाइज, और करवा भी देना किसी और से। चलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ज़्यादा जूम मत करना यार चेहरे पे हमारे, ज़्यादा जूम मत करना ठीक है। बदल इसको ऐसे करना, इसको हटा दोगे तो वही गड़बड़ हो जाएगा पूरा।